देखिए हमारे साथ जॉली सर भी जुड़ चुके हैं। सर बात करें, आज जो आपने रिलीजन को धर्म को लेकर के यहाँ पर जो है यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया, क्या उद्देश्य रहा है? आज का भारत की राजधानी दिल्ली, दिल्ली का दिल जंतर मंतर, यहाँ पर आज सभी धर्म गुरुओं ने आकर एक पैगाम दिया। पैगाम का मकसद था जो आज अफरा तफरी का माहौल है उसको शांत करने के लिए, क्योंकि हर इंसान अपने अपने धर्म गुरुओं की बात को कहीं ना कहीं मानता है, यह हकीकत है, कड़वा सच है। चाहे वो सबके सामने माने, चाहे वो मंदिर में जाके तिलक लगा के माने, या जुम्मे की नमाज पढ़ के माने, या पांचों वक्त की नमाज अदा करें, या रविवार को क्रिश्चियनिटी में जाके अपनी प्रेयर करें, कुछ भी करें, सभी मानते हैं। कोई धर्म ऐसी शिक्षा भी देता है कि भेदभाव की शिक्षा नहीं, या कट्टरवाद की शिक्षा? ऐसा कोई धर्म नहीं है, ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जहाँ ऐसी शिक्षा हो। ये कुछ दुकानें हैं, कुछ ठेकेदार हैं जिनको कहीं ना कहीं से पैसा आता होगा विवाद फैलाने के लिए, उसी का यह पैगाम दिया शंकराचार्य। तो इससे नुकसान किसका है? हमारा, आपका, आम जनता का। नुकसान कोई नहीं देखता। अगर मोब, अगर एक पत्थर फेंकेगा या एक बम फेंकेगा, पेट्रोल बम फेंकेगा, तो उसकी आग कहाँ कहाँ जाके लगेगी, उसका खमियाजा कितने परिवारों को भुगतना पड़ेगा, ये सब सोचना है। ट्रेन कोई जलती है, जलाता है, तो उसके बाद कितने लोग उसमें आता है धुए, उसमें किसी का नहीं पता कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। तो उसमें जब एक हादसा होता है, अब सूरज गर्मी दे रहा है, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को देख के नहीं दे रहा, वो सबको समान दे रहा है। जल, पानी, गंगा नदी सबको जल दे रही है। किसी को ब्लड की जरूरत होगी तो वो ये नहीं देखेगा कि मैं एक बात कहता हूँ, जो कहता है कि जी मैं हिंदू से नफरत करता हूँ, मुस्लिम से नफरत करता हूँ, क्या अगर वो फ्लाइट में सफर कर रहा है, अगर उसके गैर धर्म का कोई पायलट रन कर रहा है, तो क्या ऊपर से नीचे कूद जाएगा? अगर आप ऑपरेशन थिएटर में हैं, आपकी दवा दारू नर्स या डॉक्टर कर रहा है, वो गैर धर्म से है, क्या आप ऑपरेशन नहीं करवाएंगे? इतना भेदभाव क्यों, क्यों सर? मैंने कहा ना, ये कुछ दुकानें हैं जिसकी वजह से एक भ्रम फैलाया जा रहा है। अब आप देखो ना कि ये कुछ एक कैटेगरी है, कहना नहीं चाहिए। हमारे पड़ोसी मुल्क में क्या अफरा तफरी हो रही है, वहाँ कोई हिंदू मुस्लिम का विवाद नहीं है, वहाँ मुस्लिम मुस्लिम का विवाद है। तो ये कुछ धार्मिक दुकानें हैं, कुछ राष्ट्र विरोधी दुकानें हैं जो ये पनप रही है। तो इसी का पैगाम देने के लिए आज हमने यहाँ जंतर मंतर पे मैसेज देना चाहिए, यही मैसेज दे रहे हैं कि सभी धर्म गुरुओं ने एक ही बात कही। हमारे आदरणीय वीर चक्र अपराप कर्नल तेंद्रपाल त्यागी जी, हमारे शंकराचार्य जी, लोकेश मुनि जी, लांबा जी, और अपने चंडोक जी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध गया, सभी ने एक ही पैगाम दिया कि आप अपने धर्म को मानो, जिस प्रकार से मानो, तिलक लगाओ, नमाज अदा करो, प्रेयर करो, या आप जैसे भी मानते हैं मानो, मगर किसी दूसरे धर्म को बुरा भला मत को, सबका सम्मान, सब किसी दूसरे धर्म को क्रिटिसाइज मत करो, यही पैगाम देने के लिए आज हमने जंतर मंतर पर एक, हमारी कोई मांग नहीं, जंतर मंतर एक मांग मांगने का एक स्थान। उस घटना को क्या कहेंगे जिस तरीके से अभी आपने ये शादीपुर में देखा, एक लड़की को जो है पहले चाकू से गोता गया, फिर उसके ऊपर पत्थर वार करके उसको मतलब ख़त्म ही कर दिया। तो उसको कुछ लोग विशेष धर्म से जोड़ रहे हैं कि उस धर्म का व्यक्ति है वो इस वजह से, या फिर उसकी मानसिकता को लेकर के कहा जाए। देखिए, हम इसके बिल्कुल बरखिलाफ हैं। हम कहते हैं अगर किसी बच्ची पर अत्याचार हुआ वो गलत है, घिनौना अत्याचार है। धर्म का तो कोई इसमें है ही नहीं, ये तो उसकी मानसिकता पे है ना सर। बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं हम कहते हैं ये सब गलत है, नहीं होना चाहिए। और हम कहते हैं लव करो मगर लव जिहाद ना करो। जिस प्रकार 56 टुकड़े, 35 टुकड़े या जो भी अत्याचार हो रहे हैं आए दिन, वो ना हो। हम कहते हैं हम विरोध नहीं कर रहे, क्योंकि आजकल एक व्यवस्था परिवर्तन हो चुकी है। जो टीवी पर, मोबाइलों पर जो हमारे ऊपर आक्रमण हो रहा है, उसका जरिया है कि आज हम इधर उधर भाग गए। हम कहते हैं लव करो, कोई एतराज नहीं है, मगर लव जिहाद ना करो।
इस खिलाफ हम सब खिलाफ है। कुछ मैसेज देना चाहेंगे? यही मैसेज कि आप धर्म गुरु की बात को मानो, अपने धर्म में आस्था रखो, किसी दूसरे धर्म का क्रिटिसाइज ना करो, बहिष्कार ना करो, यही मेरा होगा।